Hello guys, we are there at Blitz, Rapid and Blitz chess tournament, and here Shri Anish Makwani ji is there with us. We are going to ask him some question, how is this experiencing and how is feeling after coming over here. Anish ji, aap yahan pe aaye hain to aapko yahan pe kaisa feel ho raha hai, ye pehli baar chess tournament wapas se vile parle mein ho rahi hai. सबसे पहले तो मैं V1 इवेंट्स और फर्स्ट मूव जिसने इनिशिएटिव लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में हम कहाँ ना कहाँ पीछे है. कंपटीशन कम हो रहे हैं, ये कंपटीशन से लोग अपने आप को इंटरनेशनल नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे. मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो इनमें से ही हम कोई नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल चैंपियन देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं एक और बार उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आप लोगों को. सर, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग भी हैं, यहाँ पे जो है वो चैंपियन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं. ये इवेंट की एक खासियत ऐसी है कि यहाँ पे ओपन टूर्नामेंट है, एक कोई चैंपियन प्लेयर है उनके साथ कोई छोटा बच्चा खेलता है और वो छोटा बच्चा जीत भी जाता है. तो कोई छोटा सा आपकी साइड से आप मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा सब लोगों को कि मतलब डिफीट इज़ नॉट लास्ट, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप मैदान छोड़ के भागते नहीं हो तब तक नो डिफीट इज़ लास्ट डिफीट. मुझे लगता है कि काफ़ी उदाहरण है, जैसे KFC का एक एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस किए, उसके बाद भी 67 इयर्स की एज में वो सक्सेस मिला उनको. और मुझे लगता है कि चेस में देर इज़ नो एज लिमिट. तो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि बाबा जो भी है आप अपना मनोबल कभी मत खोना, क्योंकि ले मनोबल खोने से इंसान जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है. मैं सभी लोगों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये थे अनिश मकवानी जी हमारे साथ, कॉरपोरेटर है विले पार्ले वेस्ट के. हम ऐसे ही मिलते रहेंगे सबको. थैंक यू.